नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के तिरुपुर के तारापुरम के में गुटखा तस्कर पर मामला दर्ज। एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया और 48 किलोग्राम गुटखा सामग्री जब्त की। तारापुरम पुलिस ने आज दोपहर सब इंस्पेक्टर करूपुसामी के नेतृत्व में करूर तारापुरम रोड पर एमजीआर नगर इलाके में वाहन जांच की। 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। तभी एक ओमनी वैन बहुत तेजी से तारापुरम की ओर आई। जब पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने उसे रोका और वैन की तलाशी ली। तब पता चला कि उसमें पट्टियों के बंडल थे। जब गाड़ी के ड्राइवर से पूछा गया तो उसने विरोधाभासी जवाब दिया। उस समय पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो इसे तारापुरम और आसपास के इलाकों में बेचने के लिए लाया था। पता चला कि तारापुरम के कोजिंजीवाड़ी इलाके के अन्नासामी के बेटे चेलापंडी 24 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 48 किलो गुटखा और वाहन जब्त करने के बाद पुलिस ने चेलापंडी को उडुमलाईपेट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और कोयम्बटूर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।